हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। आठ बार की इंदौर से सांसद रही ताई ने अंततः अपने आप को चुनाव मैदान से हटाते हुए ये घोषणा की है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ताई द्वारा जो पत्र मीडिया को भेजा गया है उसकी भाषा बेहद ही गंभीर है। इसमें ताई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज दिनांक तक इंदौर में उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, ये अनिर्णय की स्थिति क्यों बनी हुई है। संभव है कि पार्टी को निर्णय लेने में कुछ संकोच हो रहा है। हालांकि मैंने पार्टी के वरिष्ठ जनों से कुछ समय पहले ही चर्चा की थी, पर लगता है कि उनके मन में अभी भी कुछ असमंजस है। इसलिए मैं ये घोषणा करती हूँ कि मुझे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। ताई ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि पार्टी अपने निर्णय मुक्त मन से करे, निसंकोच होकर करे। इंदौर के मतदाताओं के प्रति भी आभार मानते हुए ताई ने ये लिखा है कि इंदौर के लोगों ने मुझे आज तक जो प्रेम दिया, भारतीय जनता पार्टी तथा उसके कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया और जिन जिन लोगों ने मुझे आज तक सहयोग दिया, मैं उन सभी की आभारी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्टी शीघ्र अपना निर्णय लेगी ताकि आने वाले दिनों में सभी को काम करने में सुविधा रहेगी और असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ताई का ये पत्र बहुत ही अहमियत रखता है। इस पत्र के माध्यम से ताई ने भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान पर कुछ सवाल भी उठाए हैं कि आखिर वे निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों करते हैं। निश्चित रूप से ताई का ये पत्र भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचा देगा। जो पत्र मैंने लिखा है, जो घोषणा मैंने की है, वो घोषणा बिल्कुल सही है। मैंने इस पत्र की कॉपी केंद्र में भी भेज दी है। एक कॉपी मैंने यहाँ के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा जी को भी दे दी है और इसके पीछे कोई दूसरा भाव नहीं है। गत कई दिनों से हम देख रहे हैं सभी कि निर्णय नहीं आ रहा है। निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहे, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि कल नया साल है, नए साल में निर्णय नया अगर अच्छा लेना हो तो हमारी पार्टी के केंद्र में जितने भी लोग हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति को कोई दिक्कत नहीं जाए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, क्योंकि जितने दिन कम होते जा रहे हैं हमें पार्टी का प्रसार करना है, आदि प्रचार करना है, जाना है सब जगह, इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। अभी तो हमारी बैठकें चल रही है अच्छी, मगर इसलिए आज सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया। जैसा हम कहते हैं ना, किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो। ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप निर्णय करो। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.